12th वाली में थी इसमें मैं और मेरे साथी थे, और ये पहला वाली मुगल साहब जाने क्वेश्चन में मैं और मेरे साथी थे। मैं अपने आप को समर्पण करने आया हूँ, क्योंकि आप हमें गोली न मारें। गोली नहीं मारेंगे, कह के लेंगे। अरे हम नहीं, उत्तर प्रदेश की प्रशासन, बाबा का प्रशासन। कहना है कि सूखी पड़ी जिंदगी में खुशियों के रंग घोल रहा हूँ। सूखी पड़ी जिंदगी में खुशियों के रंग घोल रहा हूँ। नमस्कार कानपुर के पत्थरबाजों, मैं जेसीबी ड्राइवर बोल रहा हूँ। इस मकान के सामने मैं खड़ा हूँ, एक अपराधी इसराइल, जिसके बाप का नाम यूसुफ है, यह समाज विरोधी। अरे अंकल जी, पुलिस वाले अंकल जी, थोड़ा तो रुक जाइए ना, थोड़ा सब्र करिए। अरे कौन सा बच्चे ने तोप चला दिया है जो उसके घर पे बुलडोजर चलाने आ गए? अरे पत्थर ही तो मारा था, कौन सा तोप चला दिया था भाई? राजस्थान में भी तो मारे थे, वहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, मजे कर रहे, बंदे घूम रहे। लेकिन आप लोग जो हो ना, उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, जो पुलिस है ना, इसको सब्र नहीं है। ये इन प्यारे दुलारे शांति दूतों बेचारों को सिर्फ और सिर्फ परेशान करने में लगी हुई है। ये गलत बात है ना? ये समझ गया मेरे को, मजा नहीं आ रहा है। हाँ सच में मजा नहीं आ रहा है। अरे जिस हिम्मत बहादुरी के साथ ये बेचारे शांति दूत, बेचारे प्यारे बच्चे पत्थर चलाए थे, तोड़फोड़ किए थे, धमकी दिए थे, लेटर दिए थे, अब वो मजा नहीं आ रहा है। योगी बाबा ने इन बेचारों का पोस्टर क्या चौराहों पर लगवा दिया, ये तो मजा ही खराब कर दिए। तो साले ऐसे बिल से बाहर निकल रहे हैं जिसे चीटी के बिल में पानी डाल दिया हो कोई, कि भाई पानी डाल दिया, सब बाहर भाग रहे, घूम रहे। ऐसा मत करो यार, मजा नहीं आ रहा। आप लोग थोड़ा तो चैलेंज एक्सेप्ट करते, अरे थोड़ा तो समय देते उत्तर प्रदेश पुलिस को, अरे खोजने देते उसको, थोड़ा परेशान होने देते। वो अपने तरीके से खोजती आप लोगों को, आप लोग चैलेंज करते उसे, बाद में खोजती, पकड़ती, गाड़ी में बिठाती, थाने लेकर आती। तब अब पहुँचते कि नहीं पहुँचते वो बात की बात, लेकिन आप लोगों ने दिल तोड़ दिया। दिल उन लोगों का तोड़ दिया जो बेचारे दिन रात एक कर दिए हैं टीवी डिबेट में आप लोगों को बचाने के लिए। बेचारे दिन रात एक कर दिए हैं कि आप लोगों को कैसे डिफेंड करें, लेकिन आप लोग उनका दिल तोड़ दिए। ऐयाज जफर आशमी पिछले 2-3 घंटों से बिल्कुल पता नहीं चल रहा है वो कहाँ है। हम लोग ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, लेकिन ऐयाज जफर आशमी के सारे फोन बंद हैं, अभी तक उनसे कोई कांटेक्ट नहीं। ये प्यारी बेचारी दुलारी मोहतरमा जो दिख रही हैं, ये हैं जफर हयात हाशमी की बीबी, वही जफर हयात जिसको पुलिस कह रही है कि यही है असली मास्टरमाइंड। ये बावली कह रही है कि इसका पति जो है, यानी भैया ही बोलती है, पति को भैया ही बोलती है, ये कह रही कि हमारे भैया गायब हैं। अरे बावली, गायब होता तो अच्छा होता ना, लेकिन गायब नहीं है वो, वो तो बेचारा पुलिस स्टेशन में है। अरे गायब होता पुलिस को थोड़ा मशक्कत करने देता, इतना बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज किया था तो थोड़ा तो मशक्कत करने देता। अरे पुलिस जाती, पकड़ती, कार में डालती, गाड़ी में, उसके बाद लेकर आती। अब आगे तो तू समझदार ही, लेकिन ये साला रोते बिलखते पता नहीं कहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस के पास खुद ही चला गया, थाने में खुद ही चला गया। अरे थोड़ा तो मशक्कत करने देते ना भाई, उत्तर प्रदेश प्रशासन, क्या क्या डर है तुमको? आखिर उत्तर प्रदेश प्रशासन से क्यों डरते हो इतना? थोड़ा उनको भी मेहनत करने दो। आप लोगों को पता है कि भाई ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं? गले में तख्ती डाल डाल कर बेचारे थाने जा रहे हैं, आखिर क्यों? आखिर इतना डर इनमें क्यों है? और जगह तो दिल्ली में हुआ या और कहीं हुआ, वहाँ तो पुष्पा बन जाते हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो भेड़िया बन जाते हो कांड करने के बाद। अरे थोड़ा तो समय दो, पुष्पा का कांटे को बदनामी कर रहे हो भाई, झुको मत। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता होगा कि जिस दिन कानपुर में घटना हुई थी, उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति भी मौजूद थे कानपुर में ही। ये जो घटना हुई, इसका जो मास्टरमाइंड जिसने प्लान किया कि उसी दिन करना है, उसमें उनको डराने का प्लान नहीं था, ना बिल्कुल नहीं, उनको डराने का प्लान बिल्कुल नहीं था। उनका मतलब था कि भाई हम एक्शन करेंगे तो रिएक्शन तो उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से तो होगा ही। हम लोग कुछ करते हैं, अच्छा काम करते हैं, मतलब पत्थरबाजी करके देश में योगदान अगर देते हैं, तो मोदी और राष्ट्रपति जी तो उत्तर प्रदेश में है ही, बड़े दयावान व्यक्ति हैं मोदी जी, वो सब संभाल लेंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। लेकिन बेचारे प्लानिंग में ये भूल गए कि मोदी जी दयावान तो हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली में रहते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये तुम भूल गए। उनके जाने के बाद सारा का सारा मामला बुलडोजर बाबा के हाथ में आएगा।
और बुलडोजर बाबा के हाथ में मामला आने के बाद इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाले। फिर मैं यही कहूँगा कि तुम लोगों के चक्कर में जो तख्ती लटका लटका कर तुम लोग थाने में जा रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है। थोड़ा समय दो, थोड़ा खोजने दो उत्तर प्रदेश पुलिस को। अरे अपने तरीके से खोजे, थोड़ा तुम भी तो एक्सपीरियंस करो, आखिर उनकी खोजबीन कैसे होती है। हम लोगों का तो तुम लोग मज़ा ही खराब कर दिए, मज़ा नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी भी कुछ लोग बाहर हैं। अरे हजारों लोग बाहर हैं, सब तख्ती में तो नहीं आएंगे, कुछ लोग चालू बनेंगे तो उनको तो पुलिस खोजेगी, अपने तरीके से लेकर आएगी।